हरे कृष्णा। तो वेलकम टू श्री मायापुर धाम, आप सभी का मायापुर में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं निताई चरण दास। आप सभी वैष्णव के कृपा से, हमारे गुणावतार प्रभु जी के कृपा से हम पुरी से चलकर मायापुर में आए हैं और मायापुर में बहुत सुंदर दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि लगातार आज 12 वर्ष से काम चल रहा है और इसका जो ओपनिंग है ये 2024 में होगा। हम आप सभी वैष्णवों का श्री मायापुर धाम में स्वागत करते हैं और यहाँ पर बहुत ही दिव्य मंदिर बन रहा है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, थोड़ा पास आइए, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है TOVP टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटेरियम। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर जो विश्व में ऐसा मंदिर न था, न है, न रहेगा, ये इंडिया में हमारे ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यह मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो इस्कॉन है ये बहुत बड़ी संस्था है और इसका जो हृदय है बहुत बड़ा है, नहीं तो यहाँ पर नेशनल भी हो सकता था। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल बनाया गया ताकि सारे जीव भगवान का भजन कर सके, साधना कर सके। तो हम आए हैं मायापुर में, मायापुर में देखने लायक अन्य बहुत सारे आध्यात्मिक पैलेस है, लेकिन हम जो आए हैं मायापुर श्री चैतन्य महाप्रभु, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद, इस अनुसार पंच तत्व इस मंदिर में विराजमान है, जो कि अभी जब ये मंदिर रेडी हो जाएगा, जो आप देख रहे हैं टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटेरियम, इस मंदिर में 2024 में वहाँ मंदिर में फिर से उनको प्रतिस्थापित किया जाएगा। धूमधाम से कीर्तन कथा, बड़े बड़े शुद्ध वैष्णव महात्मा संत दूर दूर से, देश विदेश से यहाँ आएंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा माधव जी का दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद अपना जीवन धन्य बनाएंगे। अनेक तीर्थ स्थान यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन हम हैं मायापुर में, हमारे साथ गुणावतार प्रभु जी हैं। मंदिर में और दर्शन करा रहे हैं, बेवकूफ, नीचे का दर्शन करो, ऊपर दिखाओ, ये बताएंगे तब बताएंगे। हमारे साथ गुणावतार प्रभु जी हैं, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और इन्हीं के कृपा से हम आए हैं। और अभी छोटा मंदिर है जो हम देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही 2024 में उद्घाटन होगा, बड़े मंदिर में पंचतत्व श्री श्री राधा माधव अनेक जितने भी विग्रह हैं सब प्रतिस्थापित किए जाएंगे। ये है मायापुर, श्री चैतन्य महाप्रभु की नगरी है। गौरांगा और नित्यानंद यहाँ पर मृदंग करताल के साथ दिव्य कीर्तन करके चांद काजी जगाई मधाई, ऐसे अनेक असुरों का उद्धार किए हैं और एक न एक दिन वो भी भगवान का नाम लिए हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं दर्शन प्राप्त करने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो करुणा के अवतार हैं, करुणा के सागर हैं, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने मात्र से उनके हृदय में भगवान रूपी प्रेम प्रतिस्थापित हो जाता है और वह दिव्य यहाँ से इस बिग बेड में भगवान रूपी नाम को लेकर जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, हरे हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामई व केवलम कलेव नास्तैव 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 गतिरन्य था। इस प्रकार से भगवान का जो दिव्य नाम है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामई व केवलम, यानी हरि का नाम, हरि का नाम, और हरि का नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिव्य मंत्र यहाँ से लेकर जाते हैं हमारे आचार्य वैष्णव गुरुदेव के द्वारा, और निरंतर इस मंत्र को साधना करते हुए अपने मन तथा ये जो पांचों इंद्रियां हैं इसको कंट्रोल में रखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, पास में गंगा जी हैं, नव द्वीप, द्वीप का अर्थ होता है टापू, और हम जो हैं नदियाँ नवद्वीप गंगा जी के किनारे उपस्थित है जिसका नाम है मायापुर। भक्तों, ये जो दिव्य स्थान है, रमणीय स्थान है और ये 700 एकड़ में फैला हुआ है, ये इस्कॉन के इतिहास में पहली बार, जो कि बंगाल में आप कहीं भी चले जाइए लेकिन इतना बड़ा स्थान, इतना बड़ा पैलेस कहीं नहीं मिला है बंगाल में।
वो भी कहाँ, मायापुर में ये स्थान हमें मिला है 700 एकड़ में। इस्कॉन को यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा यह दिव्य पैलेस इस मायापुर धाम में हमें मिला है, जिसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें रेडी हो रही हैं, ताकि जैसे ही साधु संत लोग बढ़ेंगे, लोग देखने के लिए आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे और आ रहे हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और यहाँ से कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो आइए, हमारा भी सौभाग्य है कि आप सभी वैष्णवों के कृपा से, गुरु के कृपा से मैं श्री मायापुर धाम में आया हूँ और यहाँ पर हम दिव्य रूपी महामंत्र कीर्तन कथा प्रसाद सबका आनंद ले रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है आप सभी वैष्णवों की कृपा से। हम महामंत्र के साथ अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, दर्शन करने जाना है। आइए, महामंत्र के साथ हम अपने इस सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चंद्रोदय मंदिर की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पंच तत्व की जय। श्री राधा माधव की जय। श्री मायापुर धाम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरे हरे बोल। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।